हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चंस क्या है। सो पहला क्वेश्चन है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू। आपको बताना कि ये किसके बराबर है। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। तो आपको करना क्या, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ आपको इसको छोटा में लिखना है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए तो एक्स 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 कितना बार है, गिनिए, एक्स यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो एक्स 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 तीन और यहाँ एक, चार बार है। तो एक्स का पावर फोर हो गया, एक्स का पावर फोर हो जाएगा। और वाई गिनते हैं कितना बार है, देखो y जो है सो दो बार है, तो y स्क्वायर हो जाएगा। और z गिनो कितना बार है, एक दो तीन, z तीन बार है, तो z क्यूब। मतलब इसका सही जवाब होगा कौन सा होगा, बोलो, x फोर y स्क्वायर z क्यूब, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस फाइव का पावर थ्री इंटू माइनस वन का पावर नाइनटीन इज इक्वल टू, ये बताना है कि किसके बराबर होगा। जरा आप ही बताइए क्या दिया, बोलो, माइनस पांच का पावर थ्री है इंटू माइनस वन का पावर नाइनटीन है, तो माइनस फाइव का पावर थ्री ये आपका कौन सा नंबर है, ये अगर आप थ्री देख रहे हैं तो ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर। और ऑड नंबर जब रहेगा और अगर माइनस अंदर में है तो ऑड नंबर जब भी रहता है पावर में अगर अंदर में माइनस है और बाहर में अगर ऑड नंबर है पावर में तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्यों, देखिए ना, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव, तो देखिए तो एक दो तीन है, तो ऑड नंबर है, मतलब माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अब फाइव फाइव जा कितना, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हो जाएगा यहाँ तक इंटू। अब माइनस वन का पावर नाइनटीन है, मतलब माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन उन्नीस बार है, तो कितनों बार रहेगा, तू तो वन ही होगा, वन 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 ही होगा, लेकिन पावर में चूंकि यहाँ पे ऑड नंबर है नाइनटीन, यहाँ पे देखें नाइनटीन ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड नंबर होगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो माइनस में ही होगा, तो ये माइनस वन होगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक सौ पच्चीस को इंटू करो तो एक सौ पच्चीस आएगा, मतलब इसका सही जवाब वन होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्या, टू टू द पावर जीरो इंटू थ्री टू द पावर जीरो प्लस फोर टू द पावर जीरो इंटू फाइव टू द पावर जीरो, फिर यहाँ सिक्स टू द पावर जीरो इंटू सेवन टू द पावर जीरो डिवाइड एट टू द पावर जीरो इंटू नाइन टू द पावर जीरो। मतलब हम लोग के पास क्या है, टू टू द पावर जीरो है इंटू थ्री टू द पावर जीरो प्लस फोर टू द पावर जीरो इंटू फाइव टू द पावर जीरो बाय सिक्स टू द पावर जीरो इंटू सेवन टू द पावर जीरो डिवाइड एट टू द पावर जीरो इंटू नाइन टू द पावर जीरो। तो हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर अगर जीरो है तो वन होता है, तो टू का पावर जीरो तो वन, थ्री का पावर जीरो तो वन प्लस फोर का पावर जीरो तो वन और फाइव का पावर जीरो तो वन होगा, ठीक है। ये भी वन होगा, वन होगा और ये भी वन होगा, वन होगा, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो वन वन के वन वन जा वन हो जाएगा प्लस वन वन जा वन बाय में देखो वन वन जा वन डिवाइड वन वन जा वन, ठीक है। अब ऊपर में कितना हो गया, वन प्लस वन तो टू हो गया, अब वन को वन से लेगा, ठीक है। अब वन टू बाय वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं, तो इसका सही जवाब थ्री होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, क्या दिया, बोलो, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, बताना कि ये किसके बराबर होता है। तो याद कीजिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में फर्स्ट लॉ हम यही बताए थे कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है x टू द पावर m प्लस n, इंटू में रहता है तो पावर क्या चीज में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। x का पावर m इंटू एक्स का पावर n क्या होता है, x का पावर m प्लस n, क्या होगा, x का पावर m प्लस n होगा, तो
तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू, ये बताना है कि किसके बराबर होगा। आपको बताना है कि a इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू a m इंटू बी m होगा, या यहाँ देखिए a m इंटू, यहाँ पे a का पावर m इंटू बी का पावर m है और यहाँ a m इंटू बी m है और इसमें a बी m है, यहाँ पे a का पावर m प्लस b का पावर m है, तो इसका सही जवाब ये होगा फर्स्ट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी का पावर अगर m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a m इंटू बी m हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख